ये बंद कर देना है, जाओ तब गेट। इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी लोग एक विशेष संकट से गुजर रहे हैं। न केवल राजस्थान, न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रही है। और इन विशेष परिस्थितियों के कारण से एक विशेष मौका पैदा हो गया है कि हम ऑनलाइन वार्ता करें। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति 12th के बाद, हर छात्र एवं छात्राएं 12th पढ़ने के बाद एक निर्णय लेते हैं कि हमारे को आगे कौन सा कोर्स लेना है। चाहे वो 12th में आर्ट्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, हर छात्र एवं छात्रा को निर्णय लेना पड़ता है कि आगे कौन से डिसिप्लिन में, कौन से कोर्स में हमारे को एडमिशन लेना है। और ये जो निर्णय है बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी कोर्स के आधार पर आपका आगे जीवन निर्धारित होने वाला है कि आप आगे कौन से फील्ड में आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार के जॉब्स करेंगे, किस प्रकार के एंटरप्राइज में काम करेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि कुछ चीज़ों को छोड़ करके व्यक्ति अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करता है। हम प्रतिदिन निर्णय लेते हैं, आप भी निर्णय लेते हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया में जो है प्रतिदिन, हर सप्ताह, प्रतिवर्ष तरह तरह के निर्णय लेते हैं, और हर निर्णय से हमारा जीवन प्रभावित होता है, हर निर्णय से हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं, हम इस पर बात करेंगे कि जैसे BSc एग्रीकल्चर का कोर्स होता है और उसके साथ में स्टूडेंट्स MBA भी करते हैं, इसको हम इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं, जो कि 5 ईयर कोर्स होता है। BSc एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई चलती है, साथ साथ में उसको मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है। आप जानते होंगे कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो BTech करते हैं, उसके बाद MBA करते हैं, और MBA अच्छे संस्थानों से करते हैं, तो आगे उनका जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। BTech से प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त हो जाती है, तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जब वो मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो एक कई प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे उनका प्रबंध किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस चलती है, उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। ठीक उसी प्रकार से BSc एग्रीकल्चर यदि कोई कैंडिडेट लेता है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करता है, तो उसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, किस प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले तो हमको ये बात निश्चित मान लेनी चाहिए कि कोई भी कोर्स अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, और आप जानते हैं कि कृषि, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, कृषि और अलाइड सेक्टर्स, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम जो भी खाते हैं, चाहे हम चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, दालें खाते हैं, पेय पदार्थ पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चीनी का उपभोग करते हैं, गुड़ का उपभोग करते हैं, हर चीज़ कृषि से उत्पन्न होती है और खेतों में पैदा होती है। और कृषि इतना बड़ा क्षेत्र बनता जा रहा है कि अब प्रेसिजन फार्मिंग की तरफ बल बढ़ता जा रहा है। प्रेसिजन फार्मिंग का अर्थ यह हुआ कि पहले तो खेत जनसंख्या कम थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो खाद्यान्न की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। शहर बढ़ रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, जीवन शैलियां बदल रही है, तो लोगों की आवश्यकताएं भी थोड़ी बदलती जा रही है। बढ़ती आय के साथ उपभोक्ता खाने पीने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स को मांगता है, उसके लिए ऊंची कीमत देने को तैयार है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है, अखबारों में आता है कि कई चीज़ें जो है मिलावटी बाजार में बिकती है। मनुष्य जब खाता है कई चीज़ें तो उनका मिलावटी चीज़ें होगी तो नेचुरली उनका कुप्रभाव मनुष्य के जीवन पर, बॉडी पर जरूर आएगा। तो BSc एग्रीकल्चर यदि आप करते हैं तो BSc में देखो प्लांट पैथोलॉजी भी पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं,
लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इन सब की पढ़ाई करते हैं। साथ साथ में जब MBA का कोर्स चलता है तो उसमें MBA में विभिन्न प्रकार के एंटरप्राइजेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनियां होती हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जहाँ पर भी ज़्यादा व्यक्ति मिल करके कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं या NGO के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो भी उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो जब कुछ लोग मिल करके एक फॉर्मल रूप में काम करते हैं और कोई निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, समन्वय स्थापित किया जाता है, राशि कैपिटल जुटाई जाती है, लैंड खरीदी जाती है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सर्विसेज बनाई जाती है और उनको बेचा जाता है, वो सब मैनेजमेंट का पार्ट होता है। आप देखिए, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अखबार का जो प्रथम पृष्ठ होता था और आज का जो अखबार है उसका प्रथम पृष्ठ है, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। आजकल का जो अखबार का जो प्रथम पृष्ठ आता है उसमें विज्ञापन आता है। कभी कभी तो आप देखोगे कि पूरा पृष्ठ विज्ञापन से होता है। पहले मुख्य पृष्ठ पर खबरें आती थी, मुख्य खबरें प्रथम पृष्ठ पर आती थी। समय बदल चुका है, मार्केटिंग का युग है, कई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो खूब हो रहा है लेकिन उनको बेचना मुश्किल पड़ रहा है। और COVID-19 के कारण तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी गिरावट आ गई है, इसलिए और भी ज़्यादा दिक्कत आ गई है। तो BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA की जब हम बात करते हैं तो पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें पैदा होती है और उन चीज़ों को पैदा करने के लिए खाद्यान्न को, दलहन को, तिलहन को और जो व्यापारिक फसलें हैं, चाहे गन्ना हो गया, कपास हो गया, उनको पैदा करने के लिए जितने भी इनपुट लगते हैं, खाद लगता है, बीज लगता है, पेस्टिसाइड लगता है, वीडिसाइड्स लगता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, जब फसल पैदा हो जाती है तो वेयर हाउस लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, बोरियां जिसमें भरा जाता है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, इंश्योरेंस काम में आता है, उनमें पैकिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, क्लीनिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेफ्रिजरेटेड वांस कैम में आते हैं, मंडियों में माल जाता है, छोटी छोटी पैकिंग में माल पैक होता है और तरह तरह के आइटम पैक होते हैं। तो इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि आप कोई कल्पना नहीं कर सकते, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कृषि से संबंधित। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। अभी भी भारत में सबसे बड़ा कोई निजी क्षेत्र में कोई उद्योग है तो खेती का उद्योग है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं रोजगार के हिसाब से। आप देखिए कि पानी की कमी पड़ती जा रही है तो पानी के लिए पूरा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो गया है, जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम है, पाइप्स हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, बढ़ते जा रहे हैं, पॉली हाउसेज आ गए हैं, ग्रीन हाउसेज आ गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है। तापमान को कंट्रोल किया जाता है, सनलाइट को कंट्रोल किया जाता है, कितना फर्टिलाइज़र देना है उसको कंट्रोल किया जाता है, कितना पानी देना है ड्रिप सिस्टम से उससे कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें पैसा बहुत लगता है। इन सबको करता कौन है? इन सबको वो अच्छी तरह से कर सकता है जो एग्रीकल्चर भी पढ़ा हुआ हो और मैनेजमेंट भी पढ़ा हुआ हो। तो मैनेजमेंट में हर सभी साधनों को कोऑर्डिनेट करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है, ऐसे और भी उद्देश्य होते हैं संस्थान के, उनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, कंट्रोलिंग करना चाहिए, फाइनेंस उपलब्ध कराना चाहिए, वो सब काम जो है आपका मैनेजमेंट का पार्ट होता है। कई संस्थाएं हैं जो पढ़ाती है लेकिन पढ़ाने में और सिखाने में फ़र्क है, रात दिन का फ़र्क है। जब स्टूडेंट सीखता है, खुद के हाथों से प्रयोग करता है, लेबोरेटरी में काम करता है, फार्म्स पे एक्सपेरिमेंट्स लगाता है, खुद स्वयं के हाथों से काम करता है फार्म्स पर एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो कभी जीवन भर नहीं भूली जा सकती और सही लर्निंग होती है। आप देखिए कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो पैदा होती है, उपभोक्ता जो भी इनकी प्राइस देता है उसका लगभग 30-35% ही प्रोड्यूसर को मिलता है, किसान को मिलता है। बाकी 60-65% पैसा जो कई प्रकार के लेयर्स हैं, मिडल मैन हैं, उनमें बढ़ता रहता है, लेकिन उपभोक्ता को पूरी प्राइस देनी पड़ती है। अब अच्छे अच्छे तकनीकी का उपयोग करते हुए मैनेजमेंट वाले खेती से जो उपज प्राप्त होती है उसके
मार्केटिंग के लिए कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन खोल दिए हैं जिसमें इन जो मिडल मैन है उनको कम किया जा रहा है और सीधा तकनीकी के माध्यम से उपभोक्ताओं से संपर्क किया जा रहा है, उनको माल बेचा जा रहा है। तो आज की तारीख में मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे बड़ा ताकतवर टूल है। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, किसी चीज़ को पैदा करना तो आसान हो गया है, पैदा खूब हो रही है, लेकिन उसका मार्केटिंग करना और सही रेट पर मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। उसका एक्सपोर्ट करना भी एक बड़ी चुनौती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कई विशेषताएं हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, जो फल पैदा होते हैं इनमें पेरिशेबिलिटी होती है, ये कुछ समय तक टिकती है, उसके बाद एकदम ख़राब हो जाती है। दालें भी आप देखोगे, स्टोर करोगे तो कुछ समय बाद दालें ख़राब होने लगती है, तो इनकी प्रॉपर वेयरहाउसिंग चाहिए। ये सब कौन करता है? ये वो व्यक्ति कर सकता है जो टेक्निकली साउंड हो, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा हुआ हो, एंटोमोलॉजी पढ़ा हुआ हो, एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ हो और साथ साथ में मैनेज पढ़ा हुआ हो। कि साधन सीमित हैं, जो पूंजी है, देखो पूंजी सीमित है, पैसा सीमित है, उस सीमित पैसे से कोई कैसे विभिन्न प्रकार के साधनों को उपयोग में लेकर के कैसे प्रॉफिट कमाता है, ये बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। और ये सब मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। आप देखिए कि हर संस्थान की अपनी अपनी गुडविल होती है। जो बड़े बड़े IIMs हैं वहाँ पे एक कोर्स चलता है MBA का, खाली MBA का कोर्स चलता है 2 साल का, जिसको बोलते हैं फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत पॉपुलर है और ये जो पढ़ के स्टूडेंट्स निकलते हैं उनका जो पैकेज होता है वो 10 लाख रुपये से ऊपर चलता है। क्योंकि आज देखो उपभोक्ता जो है जागरूक हो जा रहा है। आप देखोगे बाजार में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी मिलती है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का मतलब उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स उनको काम में नहीं लेते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स काम में लेते हैं और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आते हैं आजकल उनको काम में लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में इतना बड़ा स्कोप पैदा होता जा रहा है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। एक ही चीज़ जो किसान के खेत पे पैदा होती है उसको वैल्यूएट करने के कई तरीके हो गए और आज की तारीख में तकनीकी ये अलाउ करती है कि हम छोटे छोटे किसानों से जो छोटी छोटी प्रोड्यूस पैदा करते हैं उसको इकट्ठी कर सकते हैं, एग्रीगेट करते हैं, आसानी से एग्रीगेट करते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कई एप्स डेवलप हो गए हैं, उससे इकट्ठी करते हैं और उसको क्लीनिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और उसको सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं या सीधा लास्ट जो रिटेलर होता है उस तक पहुंचाते हैं और बीच की कड़ियों को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे कई बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई आजकल जो सीधा किसानों से खरीदती है और सीधा रिटेलर को बेचती है या उपभोक्ता तक होम डिलीवरी करने लग गई है। कृषि की उपज की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि जितना प्रोड्यूस, जितना ताज़ा होगा उतना ही वो स्वास्थ्य के लिए उतना ही लाभदायक होगा। चाहे फल ले लीजिए, चाहे सब्जी ले लीजिए, चाहे दूध ले लीजिए, जितना फ्रेश होगा उतना ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी स्वास्थ्य के लिए। हम जैसे उसको प्रोसेस करते जाते हैं या बाद में कई तरीके से हम उसको स्टोर करते हैं, दिखने में अच्छा हो सकता है, वो अच्छा लगता हो, लेकिन उसमें धीरे धीरे कुछ गुण ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे कम होते रहते हैं। तो बड़ा क्षेत्र है। अब ये कर्ता कौन है जो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा और जिसको गहन अध्ययन किया कर रखा है और जो मैनेजमेंट को भी पढ़ रखा है, वो सब इन चीज़ों को समझ करके फिर आगे बढ़ता है। अभी देखो COVID-19 चल रहा है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी वगैरह सब का उपभोग बहुत बढ़ गया है, सभी लोग कर रहे हैं। आपने आंवला का नाम जरूर सुना होगा, राजस्थान में जयपुर और उसके आसपास भी खूब आंवला के खेत हैं, तो आंवले की कैंडी खूब बिक रही है। आंवले का भाव भी इस बार बढ़ चुका है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत है। अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, यही आंवला की कैंडी एक छोटे कस्बे में बहुत कम रेट पे बिकती है, यही जब बड़े शहर में आ जाती है तो उसकी रेट और बढ़ जाती है। यही कैंडी अच्छी पैकिंग करके कोई बड़े लोकलिटी वाले इलाके में कोई अच्छी दुकान पे रख देता है तो उसकी वैल्यू कीमत और बढ़ जाती है, और यही कैंडी अच्छी पैकिंग करके वापस किसी एयरपोर्ट पे आप यदि भेज देते हो और वहाँ यदि बिकती तो उसकी दर और भी ऊँची हो जाती है। तो ऐसा मैंने देखा खुद भी, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था तो लगभग 800 रुपया किलो में आंवले की कैंडी बिक रही है, 800 रुपया किलो, जो कि यहाँ पे छोटे कस्बों में जो है आपको 250-300 रुपये किलो में बिकती है। ये वही चीज़, पैकिंग अलग हो गई, अच्छी कर दी पैकिंग, लेबलिंग अच्छी कर दी, मार्केटिंग का करामात है। तो मैं कह रहा हूँ आजकल जो है इतना एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस हो रहा है
और इतने उपभोक्ता हैं, और उपभोक्ता भी तरह तरह के हैं, लो इनकम वाले हैं, मध्यम इनकम वाले हैं और हायर इनकम वाले भी हैं। जो हायर इनकम वाले हैं उनके लिए खाद्यान्न के ऊपर या सब्जियों के ऊपर या फलों के ऊपर जो खर्चा करते हैं वो उनकी कुल आय का बहुत कम प्रतिशत भाग होता है, इसलिए वो ऊंची दर पर भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम प्रतिशत होता है उनका भाग, पूरी आय में जो खर्चा होता है खाने पीने की चीज़ों में बहुत कम होता है। तो देखो कितना स्कोप है, पोटेंशियल है। जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई, मल्टीनेशनल कंपनियां लगी हुई है, जो कि चावल तो वही पैदा होता है लेकिन बासमती चावल पैदा होता है, तो देखो आप कई कंपनियां उसको तरह तरह से पैकिंग करके बेच रही है, छोटी पैकिंग में बेच रही है, अच्छी पैकिंग करके बेच रही है। दूध का नाम जरूर सुना होगा, दूध होता है, पशुपालक पैदा करता है, डेयरी वाइटनर के नाम से छोटे छोटे सेचेट्स में माल बिकता है डेयरी वाइटनर, और उसकी रेट बहुत ऊंची हो जाती है। दूध में जो है दो चीज़ होते हैं मुख्य रूप से, एक तो फैट होता है और दूसरा SNF होता है, सॉलिड नॉट फैट, और दोनों के हिसाब से आप देखो कई चीज़ें बनती है। तो हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि कृषि और मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें जब बन जाती है तो आप जो है तरह तरह के जितने भी FMCG हैं, उद्योग हैं, चाहे वो मसाला बना रहे हैं, चाहे आइसक्रीम बना रहे हैं, चाहे आटा बना रहे हैं, चाहे तरह तरह के आटा बना रहे हैं, चाहे बेसन बना रहे हैं, चाहे तरह तरह के प्रोडक्ट खाने पीने की चीज़ें बना रहे हैं, हर चीज़ में किसी न किसी रूप से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जरूर काम में आती है। जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काम में आती है तो हर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अलग अलग विशेषताएँ होती है, और उसका जो पारखी होता है वही सही दाम पर उनको खरीद सकता है, सही गुणवत्ता का माल खरीद सकता है, और वो खरीदता है जो कि एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी रखता हो और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा हुआ हो। हमारे एक कहावत है मैनेजमेंट की कि प्रॉफिट कमाने के लिए यदि खरीदते समय ही व्यक्ति ठगा जाता है तो वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता या बहुत कम प्रॉफिट कमाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आप जितना भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें रॉ मटेरियल लगता है तरह तरह का कृषि उपज का, और आपने उसको सही नहीं खरीदा, ऊंचे दामों पर खरीदा है, गुणवत्ता उसकी अच्छी नहीं है, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी अच्छा नहीं बनेगा। जब अच्छा नहीं बनेगा तो उपभोक्ता उसका सही प्राइस देगा नहीं, बिकेगा नहीं। अब ये सब बातें कहाँ सिखाई जाती है? मैनेजमेंट में सिखाई जाती है। तो मैनेजमेंट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन इन सबको करने वाला जो है, चाहे लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उन सबको काम में कौन लेता है? इन सबको काम में लेने वाला ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स व्यक्ति। वो जितना स्किल वाला होगा, ज्ञान वाला होगा, उतना ही वो जो है उन साधनों का कुशलतम उपयोग करेगा, और उन साधनों का जितना कुशलतम उपयोग करेगा उतना ही वो संस्थान आगे बढ़ेगा। हम दो चीज़ें और बात करते हैं, एक तो तकनीकी ज्ञान होता है, BSc एग्रीकल्चर में तकनीकी ज्ञान पढ़ते हैं, MBA में भी हम सब तकनीकी ज्ञान प्रैक्टिकल जो होता है उसको पढ़ते हैं, साथ साथ में एक सॉफ्ट स्किल्स का ज्ञान भी होता है। सॉफ्ट स्किल्स होती है कि व्यक्ति की एटीट्यूड्स क्या है, कैसे टीम में काम करता है, टीम में कैसे दूसरों से काम लेता है, एनालिटिकल थिंकिंग कैसे करता है, कैसे समस्याओं का समाधान निकालता है, कैसे समस्याओं की पहचान करता है। ये जो क्षमता होती है वो हर व्यक्ति में नहीं होती है, और सॉफ्ट स्किल को सिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं आजकल, बहुत कम मिलते हैं। अपने आप में पूरा नया फील्ड है, और जो व्यक्ति इनको अपनाए हुए हैं उनका महत्व तो और भी मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति और भी कम मिलते हैं जो कि इन चीज़ों को काम में लेकर के आगे बढ़ते हैं और संस्थान को भी आगे बढ़ाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, तकनीकी ज्ञान अनुभव से सीखना और साथ साथ में सॉफ्ट स्किल को डेवलप करना। वो सॉफ्ट स्किल्स जो कि अच्छी होती है, जो कि टीम के रूप में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। तो तकनीकी ज्ञान, मैनेजमेंट का ज्ञान और सॉफ्ट स्किल, छात्र छात्राओं को इन तीनों चीज़ों को कोई सही डायरेक्शन ले जा करके यदि कोई पढ़ाता है, सिखाता है, सिखाने की बात कर रहे हैं हम, पढ़ाने की बात कम करते हैं, सिखाने की बात ज़्यादा करते हैं, पढ़ाने तो पढ़ा देते हैं लेकिन आगे स्टूडेंट क्या सीखता है, कैसे उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है।
तो हम बात कर रहे हैं देखो इनपुट्स की, तरह तरह की सीड कंपनियां हैं, तरह तरह का सीड बिकता है आपको, सर्टिफाइड सीड बिकता है, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है जो थैलियों में बंद करके बिकता है। इस तरह से बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं आपको, DAP की बनाने वाली, यूरिया बनाने वाली, मिक्सचर्स जो खाद के रूप में बनते हैं उनको बनाने वाली, SSP बनाने वाली, ग्रीन मेन्योर बनाने वाली, बड़ी बड़ी कंपनियां जो खाद बेच रही है, बायो फर्टिलाइजर्स बिक रहे हैं, तरह तरह के पेस्टिसाइड्स बिक रहे हैं, वीडिसाइड्स बिक रहे हैं, हर्बिसाइड्स बिक रहे हैं, इसी तरह से स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये सब बिक रहे हैं। तो इनमें कौन काम करने वाला चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, जो कि आपका एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ हो और साथ साथ में मैनेजमेंट को जानता हो। और एक बार जिस किसी कंपनी में लग जाता है तो धीरे धीरे अपने अनुभव के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता रहता है और आगे उसका सैलरी भी बढ़ती रहती है, पैकेज भी बढ़ता रहता है अपने आप। याद रखिए कि एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी उपयोगी हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को हमेशा खाद्यान्न चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जियाँ चाहिए तरह तरह की, और साथ साथ में कई प्रकार के पेय पदार्थ हैं जो हम काम में लेते रहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये ऐसा विस्तार वाला एरिया है अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, कि उसकी कोई सीमा नहीं है और कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आपको ऐसे संस्थान को चुनना चाहिए जिसमें कि मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रैक्टिकल बातें सिखाते हों, तकनीकी ज्ञान भी सिखाते हों, अच्छी लेबोरेटरीज हों, और साथ साथ में सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी जोर हो कि सॉफ्ट स्किल्स सिखा करके व्यक्तियों को, छात्र छात्राओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। आजकल देखो सरकार की कई स्कीमें हैं तरह तरह की, जिसमें कि तरह तरह की सुविधाएं नए नए एग्रो प्रोसेसिंग करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए दी जाती है। राजस्थान सरकार की भी पूरी एग्रो प्रोसेसिंग के ऊपर पूरी पॉलिसी निकली हुई है, जिसमें कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं। उनका प्रोजेक्ट बनाने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम कौन कर सकता है जो कि एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट के बारे में, दोनों के बारे में जानता हो। क्योंकि तो प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, साथ में प्रोजेक्ट बनाना और उसे चलाना और भी मुश्किल है। चला भी लिया और प्रोडक्ट बना भी लिया तो उसको बेचना सबसे मुश्किल है, क्योंकि मार्केटिंग करना सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में, सबसे बड़ी चुनौती है। और ये जो बातें सिखाते हैं वो सब मैनेजमेंट में सिखाते हैं और एग्रीकल्चर के साथ साथ सिखाते हैं धीरे धीरे करके, और पूरे 5 साल में स्टूडेंट्स को ऐसा तैयार किया जाता है कि वो जो है निकल करके काम में लगने लग जाए, हो जाए। भारत सरकार के ऐसे कई, मतलब राजस्थान, पूरे भारत में ऐसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लॉयबिलिटी कईयों की बहुत कम है। जनरली जो सर्वे आते हैं उसमें ये बताते हैं कि लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल भारत में प्रोफेशनल कोर्स करके निकलते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम होती है। इम्प्लॉयबिलिटी कम क्यों होती है? क्योंकि उनको तकनीकी ज्ञान प्रैक्टिकल कम सिखाया जाता है, थ्योरी ज़्यादा सिखाई जाती है। जब उनको मशीन के ऊपर काम करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है, तो उनको वास्तव में उन्होंने काम किया नहीं होता है, कभी देखा नहीं होता है, तो वो उस पर काम अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। और आजकल कंपनियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करें और फिर उनको जो है आगे काम पर रखे, नहीं। तो ये जो प्रोफेशनल कोर्स है एग्रीकल्चर प्लस MBBA का, इसमें स्टूडेंट्स के क्यूरोसिटी के ऊपर है कि वो कितना रुचि लेकर के आगे बढ़ता है, कितना सीखता है। और प्रकृति की जो चीज़ें पैदा होती है, देखो बरसात पर निर्भर करती है, इरिगेशन पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है, इसलिए इनकी उपज भी नेचर में कई बार बदलाव आता रहता है। थोड़ा बहुत नेचर इसकी वेगरीज का भी प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं आजकल, देखा होगा, सुना होगा, आजकल प्याज का भाव जो है 100 रुपया किलो पहुँच गया है, लेकिन किसान ने जब प्याज पैदा किया हुआ उसको जो है बहुत कम भाव मिला। अब ये सब मैनेजमेंट वाला सोचता है, जिसने मैनेजमेंट पढ़ रखा है, कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको करके व्यक्ति उपभोक्ता को कम प्राइस पे उसको उपलब्ध कराए और साथ साथ में प्रोड्यूसर को भी ऊंची कीमत दे। फार्मर को भी जब ऊंची कीमत मिलेगी तो वो निश्चित रूप से आपसे जुड़ेगा, निश्चित रूप से जुड़ेगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति आर्थिक रूप से पैसा कमाना चाहता है और उसको यदि आर्थिक लाभ होता है तो निश्चित रूप से, चाहे वो किसान पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वो जुड़ेगा आपसे। और ये खेती में संभव है, वैल्यू एडिशन करके संभव है। कईयों को मालूम नहीं होगा कि जो है प्याज को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते हैं, इसका स्टोरेज सिस्टम अलग ही होता है। ये सब चीज़ें कहाँ सीखती है? जब प्रैक्टिकल आदमी देखता है तब मालूम पड़ता है। कई लोगों से बात होती रहती है हमारी, तो किसने पूछा अभी कि भाई इसको कोल्ड स्टोरेज में रख करके अपन जो स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं, प्याज कोल्ड स्टोरेज में नहीं रहता है, इसका अलग सिस्टम है, एरी सिस्टम बनाना पड़ता है, स्टोरेज अलग बनाने पड़ते हैं जिसमें हवा आती जाती रहे।
तो कहने का ऐसा कि ये सब चीज़ें कैसे मालूम पड़ सकती है जब आपने एग्रीकल्चर पढ़ रखी हो, प्रैक्टिकल देख रखा हो, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए हों आपने स्वयं के हाथ से, और आपके अच्छे गाइड हों, अच्छी फैकल्टी हो जो कि आपको इन सब बातों को सिखाए, एक्सपोज करें इन सब चीज़ों के लिए, फिर आपकी विजिट कराए तरह तरह के जगह पे। ICAR सिस्टम की हर क्रॉप के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, पूरे देश भर में हर क्रॉप के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, जैसे राजस्थान में भी सेवर भरतपुर में जो है मस्टर्ड के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, सीड स्पाइसेस के ऊपर अपने तबीजी अजमेर के पास पड़ता है वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, नेशनल लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। ये इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती है, रिसर्च करती है, और फार्मर्स को भी बुलाती है, किसान के मेले भी लगते हैं, और नए नए स्टूडेंट्स आते हैं वो भी सीखते हैं। तो कहने का आशय ये होगा कि खेती का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है MBA प्लस एग्रीकल्चर का, कि उसको व्यक्ति जो है आगे खुद का जॉब कर सकता है, चाहे स्मॉल सेक्टर में जाए, चाहे मीडियम सेक्टर में जाए, चाहे माइक्रो इंटरप्राइज खोले, या फैमिली वाले मेंबर्स को लगा करके कोई काम करे या बेचे, हर जगह इसमें स्कोप है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखने की, जो आजकल तकनीकी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, बिना तकनीकी के आज के ज़माने में आगे व्यक्ति बढ़ नहीं सकता है, नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं कुछ, जो तकनीकी के आधार पर ऑनलाइन इतना माल बेच रहे कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता। आज से 30 साल पहले हम कोई सोच नहीं सकते थे कि ऑनलाइन हर चीज़ बिकेगी, सब्जी बिक रही है, होम डिलीवरी हो रही है, और आप मंडी में जाओगे तो हो सकता है कि आप रिटेलर के पास जाओगे तो महंगा मिलेगा, और होम पे डिलीवरी आएगी तो सस्ता मिल सकता है। ये सब क्या है, तकनीकी का कमाल है और मैनेजमेंट का कमाल है। ये सब चीज़ें सीखने के लिए हम जो बात कर रहे हैं, व्यक्ति में क्यूरोसिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में क्यूरोसिटी होनी चाहिए। कोर्स तो सब जगह चलते हैं लेकिन अच्छे सिखाने वाले कम मिलते हैं, और सीखने वाले भी पर निर्भर करता है, सीखने वाले के ऊपर कि वो कैसे सीखता है। जैसा कि अपने डिस्कस किया था, इसमें इंटेलिजेंस तो होता ही है, सब में होता है, लेकिन स्टूडेंट्स में क्यूरोसिटी कितनी है और पैशन कितना है, अपन कहते हैं ललक, लगन जिसको बोलते हैं, लगन होना चाहिए, पैशन जिसको हम बोलते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि CQ प्लस PQ इज ग्रेटर देन IQ। इसका मतलब क्या हुआ, CQ का मतलब होता है क्यूरोसिटी क्वोशेंट, क्यूरोसिटी का मतलब नई नई चीज़ों को जानने की लालसा होती है, वो क्वोशेंट है इसमें कितना है, साथ साथ में नई नई चीज़ों को सीखने का और उसको करने का पैशन कितना है इसमें स्टूडेंट्स में, पैशन लगन कितनी है, दृढ़ निश्चय कितना है, उसको पैशन बोलते हैं। इन दोनों को मिला दो तो IQ वाला जो स्टूडेंट है, IQ वाला व्यक्ति है, उससे भी वो व्यक्ति आगे निकल जाएगा जिसके पास CQ है और PQ है, जिसके पास क्यूरोसिटी है नई नई चीज़ों को जानने की, समझने की, सीखने की, और उसको काम को करने का पैशन है, वो दूसरों से निश्चित रूप से आगे निकलेगा। ये सब बातें कौन सिखाता है, सब मैनेजमेंट के पार्ट हैं। तो पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई व्यक्ति को उस लेवल पर ले जाती है जिसका कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जैसा कि अपन ने शुरू में डिस्कस किया कि आप जो निर्णय लेते हो बहुत बड़ा निर्णय है, कि आपको कौन सा डिसिप्लिन चुन रहे हो आप और कौन से संस्थान में जा रहे हो पढ़ने के लिए, बहुत बड़ा निर्णय है। उसी के आधार पर आपके जीवन के कई जो निर्णय हैं वो आपसे उस निर्णय से प्रभावित होते हैं। कोई भी कोर्स अपने आप में कोई छोटा नहीं होता, और कोई भी कोर्स अपने आप में कोई नहीं बड़ा होता, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि हम लोग कितने हैं और कितने फार्मर्स हैं, जो किसान जो खेती में पैदावार करते हैं तरह तरह की, कितने फार्मर्स हैं। तो हमारे हिसाब से हम कुछ भी, हम स्टूडेंट्स कितने हैं जो कि BSc प्लस MBA पढ़ते हैं, बहुत कम है। कितने उपभोक्ता हैं इन चीज़ों के, तरह तरह के उपभोक्ता हैं, ऐसे ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि लाखों रुपये की फल फ्रूट खरीद लेते हैं, एक बार खरीदने जाते हैं तो दिल्ली में, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, हजारों में नहीं, ऐसे दिल्ली में कुछ मार्केट्स हैं बड़े, यहाँ पे कई फॉरेनर्स रहते हैं, वहाँ पे जो खरीदने जाते हैं फल फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं, सब्जियाँ खरीदते हैं, तो बिल जो है 50,000 रुपये से एक बार से ज़्यादा खरीद के ले आते हैं। लेकिन सब चीज़ें पैदा होती है किसान के खेत पर पैदा होती है, याद रखिए, उसी पर वैल्यू एड करता है कोई, उसको अच्छी तरह से उगाने वाली चीज़ों को अलग कर देता है, मार्केटिंग वो ग्रेडिंग कर देता है, अच्छी पैकिंग कर देता है, और उसको जो बेचते हैं। ऑर्गेनिक और फार्मिंग की भी अपने बात की थी, बहुत स्कोप है, जो नॉर्मल प्रोड्यूस होती है उससे दुगुना से तिगुना तक
प्राइसेस पर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बिकती है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। आप देखते होंगे कि अब आजकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग बहुत होता है और जो भी क्रॉप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह होती है तो उसमें पेस्टिसाइड्स का रेजिड्यू रह जाता है और हमारे खाने पीने के माध्यम से ह्यूमन बॉडी में जाता है और लॉन्ग रन में नुकसान करता है। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी कोर्स छोटा है, कोई भी कोर्स बड़ा नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं। सीखना पढ़ने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम कैसे प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं जो कि बाज़ार में जिनकी वैल्यू है, वो चीज़ें सीखनी चाहिए जिनकी बाज़ार में बिकती है वो स्किल्स। अच्छे आदमियों की हर जगह कमी है, अच्छे मार्केटिंग मैनेजर की कमी है, अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर की कमी है। ये आदमी आते कैसे हैं, कौन बनता है, कैसे बनता है, ये सब मैनेजमेंट वाले इंस्टीट्यूशन से वो तैयार करते हैं। आपने अवश्य सुना होगा, कुछ कहते हैं कि लीडर्स पैदा होते हैं, कुछ ये कहते हैं कि लीडर्स पैदा नहीं होते हैं, कुछ बनते हैं यहाँ पे। दोनों बातें आंशिक रूप से सत्य है। तो बड़े बड़े जो मैनेजर्स बनते हैं वो सब यही किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करते हुए, दृढ़ निश्चय करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे जा करके बहुत बड़े बनते हैं। ऐसे भारतीय कई भारतीय लोग हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में चीफ एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं, वो सब यहीं भारत में पढ़े हुए हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। तो अपन बात कर रहे थे कि कोई भी कोर्स छोटा या कोई भी कोर्स बड़ा नहीं होता है, सब कोर्स में बहुत दम है। वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उस कोर्स को कैसे सीखते हैं, उस कोर्स में क्या सीखते हैं और किस सोच के साथ सीखते हैं और कब सीखते हैं, किसके गाइडेंस में सीखते हैं। यदि आप सही समय पर सही डायरेक्शन में चीज़ों को सीखते हैं तो आप ठेठ से आगे बढ़ते हैं। शुरू से जो व्यक्ति शुरू से आगे बढ़ जाता है तो वो आगे से आगे चलता रहता है। और कई बातें कुछ व्यक्तियों में ऐसी होती है, तमन्ना होती है, उनके पैशन होता है, जो वो नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। आज देखिए, 30 साल पहले तकनीकी अलग थी, 50 साल पहले तकनीकी अलग थी और आज की तारीख में तकनीकी बिल्कुल अलग है। इस COVID-19 के कारण देखो ऑनलाइन चीज़ों का बहुत प्रचलन हो गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत काम कर रहे हैं। तो हम इस बात को हम समाप्त करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी कोर्स छोटा नहीं होता है, कोई भी कोर्स बड़ा नहीं होता है। कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, चाहे भारत में है चाहे विदेशों में है, सब पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, लेकिन एक्सपोजर देने वाले जो गाइड हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी, उनमें बहुत बदलाव होता है। वो तरह तरह के ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि जो कि अन्य सिखा नहीं सकता है, और वहीं पर स्टूडेंट्स में फ़र्क आता है, लेवल का फ़र्क आता है, और स्टूडेंट्स फिर बड़ी बड़ी कंपनी में उसी हिसाब से प्लेस होते हैं। तो इस सेमिनार में आप सभी लोगों को बात करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आप सभी लोगों को। और निश्चित रूप से हम आगे और मिलते रहेंगे। और ये जो हमने बातचीत की है, ये सब हम उन किसानों के हित में काम कर रहे हैं, जिससे कि हम ऐसे मार्केटिंग संस्थाएं बनाएं, ऐसी संस्थाएं बनाएं, वैल्यूएड करने वाली संस्थाएं बनाएं, जिसमें कि प्रोड्यूसर को कीमत बेहतर मिले। किसान बहुत मेहनत करता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, उसको खेती में काम करना पड़ता है, और खेती हमेशा टाइम सेंसिटिव होती है। रेन फेड एग्रीकल्चर में यदि आपने जिस समय मॉइस्चर उपलब्ध है उसके 8 घंटे भी लेट कर दिया आपने क्रॉप के सोइंग में, तो आपकी उपज कम होगी। तो ये जो बात की है हमने, इसको हम डेडिकेट करते हैं भारतीय किसानों को, ताकि उनको उपज का सही दर मिले और हम सभी लोग जो है वैल्यू एड करें, बेहतर कीमत पर उपभोक्ताओं को वैल्यू एड की हुई चीज़ों को बेचें और प्रोड्यूसर को भी ज़्यादा दर मिल सके। थैंक यू।